ये जीएम का ऑफिस किधर है? ऊपर है, ऊपर। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं एक आदमी को बुलाऊं तो तीन आदमी मत आया करो। तीन आदमी किधर है? एक ही तो आदमी है। अकवास बंद करो, जाओ और तीनों चाय लेकर आओ, जाओ। स्टूपिड फूल। हेलो, हेलो, फोन टूट गया। हेलो, हाँ हेलो, कौन चाहिए? दौलत चाहिए। दौलत यहाँ नहीं है, दौलत राम है, बोलो। दौलत राम जी, हाँ महावीर एजेंट से बाबूलाल बोल रहे हो? बाबूलाल जी, वो पेमेंट भेज रहे हो ना? अच्छा, वो 2000 एक्स्ट्रा बोतल भेजी है, उसका कैश पेमेंट सीधा मेरे पास भेज देना। बाकी सब ठीक है ना? हंस नहीं रहा हूँ, खास रहा हूँ। हंसना मेरा खासा जैसा लगता है। चाय, इतनी देर कर दी? जी मैं तो टाइम पर आया हूँ। ऊपर से जबान चलाते हो, चाय लाने में इतना टाइम लगता है क्या? सलाम लो चाय वाला। मेरा चश्मा कहाँ है? माथे पर। अरे मेरा चश्मा तुम्हारे माथे पर कैसे हो सकता है? सर मेरे नहीं, आपके माथे पर। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। कौन हो भाई, तुम्हारी तारीफ क्या है? जी मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। भाई आज इंटरव्यू नहीं होगा, मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, जो आए थे इंटरव्यू देने के लिए उनको मैंने वापस भेज दिया। तुम भी आओ, हमारे टाइम की कोई कीमत नहीं। क्या मतलब? जी आप जनरल मैनेजर हैं, आप भी इंटरव्यू ले सकते हैं। भाई देखो, तुम इंटरव्यू देने आए हो या इंटरव्यू लेने आए हो? जी अरे जाओ ना यार यहाँ से। जी आप साहब चाय? सुबह से कुछ खाया है? नहीं। या? नहीं। ये लो दूध पियो। बिहारी, बिहारी कहाँ तू? कहाँ मर गया था? साहब मरे कहाँ हैं, जिंदा हैं, सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा फिलासफी मत झाड़, ये बता कि मेरा वो मेरा चश्मा कहाँ है? अरे साहब अगर बता दिया तो क्या देंगे? आशीर्वाद। साहेब हाँ, चिराग तले अंधेरा, मतलब मतलब चश्मा माथे पर है, मेरे नहीं आपके माथे पर। ओ मैं हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा साहब, पुराना हिसाब है, तनिक क्लियर कर दीजिए। क्लियर तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो फिक्स डिपॉजिट फिक्स कर दिया है। मैं यहाँ बैठ के झक मार। हाँ तू झक ना मार। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे पापा कहा करो। पापा, पापा आज आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना? कौन सा प्रॉमिस? यही कि आप मुरली मोटर ट्रेनिंग स्कूल से मुझे गाड़ी दिलाएंगे। मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। मैं तो गाड़ी लेकर आऊंगी। तुम गाड़ी तब लेकर आओगी जब मैं तुम्हें लेकर दूंगा। आप मुझे गाड़ी नहीं लेके देंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं लेके देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं खाना पीना बंद कर दूंगी। खाना पीना बंद कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। पापा मैं सच कह रही हूँ। मैं भी सच कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप क्या करें? फैक्ट्री, फैक्ट्री। पापा सुनिए तो, सुनिए ना। अरे सर जी चुप। रोको गाड़ी रोको, लाल लाइट का सिग्नल तोड़ गया अंदर घुसा, देखा कि नहीं? हाँ मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर गाड़ी कैसे चलाता है? अंदाजे से। अंदर देखो 100 रुपये का फाइन पड़ेगा, समझे ना तुम? लाओ 25 रुपया लाओ। चलो वो क्यों? अरे 100 रुपया गवर्नमेंट को देगा कि 25 रुपया हवलदार को देगा? तुम्हारा 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 आईजी कौन है? आईजी अग्रवाल साहब है। कहीं को जानता मैं कौन हूँ? अरे कौन होएगा अपने घर का, अपने को क्या? 25 रुपया निकाल बस। आजी साहब का, अग्रवाल साहब का साला हूँ, उनकी जोरू का भाई। अरे बहुत सारे बोलते हैं वही साला है करके, इधर नहीं चलेंगे। मेरे साथ चल, मैं तुझे अग्रवाल साहब से नहीं, 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 नहीं। चल, चल। अरे कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अरे प्यारे मुंगी लाल, अब तू 50 रुपए निकाल। हाँ मुझे रोकने का 50 रुपए निकाल। आप मजाक कर रहे हैं, ये हमें 50 रुपए आपको? तू अग्रवाल साहब से मिलना। नहीं 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 नहीं, मैं देता हूँ। जल्दी कर जल्दी कर। ये रेवड़ी वाले के, ये दारू वाले के 25, ये चने वाले के। अब कान को हाथ लगा और क्या कि मेरी गाड़ी कभी नहीं रोकेगा। कान को हाथ लगा के कहता हूँ, आपकी गाड़ी फिर कभी नहीं रोकूंगा। गुड। क्या आदमी है ये, मेरे से ही पैसे लेके गया। आती बेटा, आती बेटी, देखो बेटा मैं क्या चाहता हूँ कि तुम मैंने सुना है कि तूने सुबह से खाना नहीं खाया, क्या ये सच है? देखो बेटा जिद नहीं करते, चलो खाना खा लेते हैं। चलो बेटा खाना खा लेते हैं। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। साहब आपके लिए चाय वाय बना के लाऊं?
मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और तू कहता चाय बना के दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेटी मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया तो अच्छा जो तुम चाहती हो वही होगा। आप मुझे गाड़ी दिलाएंगे? हाँ कल, आज खाना खा ले। हाँ चलो बेटा। आई लव दिस कार। अरे भाई क्या हुआ? अरे मेरी टांग तोड़ दी। चलो अब उतर के देखो तो क्या हुआ। अरे कोई बहुत चिल्ला रहा। पापा उधर नहीं, इधर इधर। ये ऊपर वाला चिल्ला क्यों रहा? ऊपर वाला नहीं नीचे वाला चिल्ला रहा है। नीचे कर रहा पापा। पापा इसको लेटा हुआ क्या कर रहा है? नहीं हमारी गाड़ी के नीचे आके इसका पैर टूट गया। टूट गया तो नीचे लेट कर क्या कर रहे हो भाई? अरे तुमने मेरे पापा का पैर तोड़ डाला है। मैंने तोड़ डाला? मैंने तोड़ डाला। पागल हो गया पापा। मेरे को डॉक्टर के पास ले चले। हाँ हाँ अभी ले चलते हैं। अरे भाई जल्दी करो इन्हें अस्पताल ले जाना है। अरे अस्पताल ले जाना तो तुम जल्दी करो, मैं काहे को जल्दी करूं? पैसा तो मांगता है ना। ऐसी किस बात की भाई? ये लो 50 रुपए। पचास? ये तो 2 रुपए। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे पास इतना ही है। मैं क्या करूं? बोले बोले 2 रुपए। ये लो 100 रुपए। अरे ये तो 5 रुपए। क्या होगा? अच्छा अच्छी बापू बापू उठो मिल गया। इसे तो अच्छा ड्राइवर रख लो। अरे पागल हो गई, ड्राइवर कैसे रख ले? उसका खर्चा कौन देगा? खाने का खर्चा, सोने का खर्चा? नहीं नहीं मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, वो जो अपना बिहारी है ना उसको सिखा देते हैं, खाना पीना बनाएगा, ड्राइविंग भी करेगा, सोफा कम बेड। लेकिन इतना सारा बोझ पड़ेगा तो वो टिकेगा क्या? अरे टिकेगा, उसका बाप भी टिकेगा। 10,000 रुपए का लफड़ा उसका मेरे साथ। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी नीचे है, नीचे बैठे। नीचे क्यों? चलो वो नहीं तो हो गई। अरे पापा वो देखो, वो तो चल के जा रहे हैं। कौन? वो उधर। ए यू ब्लडी फूल। वो देखो वो आ रहा है। जाने स्कूल नहीं जाना, पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ेगा। बस बस रोको रोको रोको। आओ ठीक जगह रोकी। आइए आइए दौलतराम जी, आइए नमस्ते दौलतराम जी, आइए आइए आइए। इनकी तारीफ बाद में बताऊंगा, ये मेरी बेटी है। लेकिन नाम तो बताइए ना। नाम इसका वो आरती। आरती आरती आपको ड्राइविंग सीखनी है? हाँ जी। तो सीखने के बाद क्या आप यही गाड़ी चलाएगी? क्यों ये गाड़ी नहीं है क्या? ये क्या गाड़ी है? क्या मतलब ये क्या गाड़ी है? मगर पापा मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगी, अगर ये रुक गई तो वो मुझे डांस करना पड़ेगा इसके सामने। डांस? ये क्या म्यूजिकल गाड़ी है क्लच दबा के? तुम चुप करो, लेट मी हैंडल द सिचुएशन माइसेल्फ। गया सुनो, हमें नई गाड़ी नहीं चाहिए। पापा हमें नई गाड़ी चाहिए। ओह नो यू, देखो आरती जी कहती है तो देख लीजिए ना गाड़ियाँ। मैं गाड़ी बेचने का भी धंधा करता हूँ, हॉर्न दबा के। कहाँ है गाड़ियाँ? गैरेज नजदीक ही है। चलो बैठो बैठो। नीचे स्टीयरिंग नीचे। ओहो नीचे की स्टीयरिंग। अरे रुको रुको रुको, सामने वाला गाड़ी। रुको रुको, अंधे की माफी गाड़ी चला रहे हो, दरवाजा भी सामने वाली गाड़ी। गाड़ी? वो गाड़ी नहीं है, टेम्पो है। यहाँ ये यहाँ ये देखिए गाड़ी, ये देखिए गाड़ी, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, देखो देखो। ए, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन आपके गाड़ी के सामने तो ताजमहल है। अरे ताजमहल आदमी सिर्फ देखता है, उसको चलाता थोड़ा ही है। लेकिन डीजल की है। मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी चलानी आती नहीं। मैं सिखाऊंगा। रुक नहीं, मुझे तो कोई लड़की चाहिए जो इसको ड्राइविंग सिखाएगी। लड़कियाँ हमारे पास नहीं है। सब कैंसिल। है बुड्ढा, इसका बाप है, इसका बाप। इसका बाप है, 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 है। उसके ऊपर क्या? 2 दिन में मरने वाला है। 2 दिन में गाड़ी सीख जाएगी? ठीक है चलो जल्दी आना, जल्दी जल्दी आना। साले मेरा बाप कहाँ है? मैं पैदा करूंगा यार, मरवाएगा। आरती जी आई है, आई है। अच्छा हो गया आप आ गई। आई है शुरू करें क्या? नहीं नहीं वही तो कहने जा रहा था। अबे बुड्ढे, बुड्ढा वो ड्राइवर है ना, बुड्ढा है बुड्ढे। आ जा, क्या देख रहे हैं बुड्ढे? बाबा बाबू जी देखो, बच्ची को सिखाना है। क्या गाड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बच्ची की तरह सिखाना है। आइए गाड़ी बुड्ढा है ना, शुरू करें प्लीज। चलो एक ही सीट पे बैठेगा क्या? गियर चेंज करके उधर बैठ, उधर बैठ। पहले आप ये बताइए, आपने कभी गाड़ी चलाई? हाँ जी अंकल।
मैंने एक दो दफा पापा की गाड़ी आगे पीछे करते हुए ठोक दी थी। शाबाश, बहुत अच्छा किया। अब आप एक काम कीजिए, गाड़ी को न्यूट्रल में कीजिए। न्यूट्रल में कैसे डालूं अंकल? ऐसे। अब आप गाड़ी शुरू कीजिए। वेरी गुड। अब आप क्लच दबा के इसे फर्स्ट गियर में डालिए। अंकल क्लच कौन सा है? ये वाला, दबाइए। अब आप इसे फर्स्ट गियर में डालिए। फर्स्ट गियर में कैसे डालूं अंकल? आप मुझे अंकल क्यों कहती है? ये लीजिए, चलाइए। जी ऐसे 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 चलाओ। ओहो बस ऐसे। कैसे चल रही है आपकी प्रेम गाड़ी क्लच दबा के? अबे खाक प्रेम गाड़ी चल रही है, बात बात में अंकल बोलती है मुझे। अबे सफेद दाढ़ी वाले को अंकल नहीं बोलेगी तो क्या भाई बोलेगी गियर बदल के? आइडिया। अरे आप? जी वो पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उनकी जगह मैं सिखाने आ गया। कोई त्रास तो नहीं आपको? जी नहीं। आइए। लेफ्ट साइड लेना। हाँ। आ दीजिए। ये वैसे आप गाड़ी अच्छी सिखा लेते हैं? जी मेरा प्रोफेशन नहीं है। फिर आप करते क्या है? फिलहाल तो बेकार हूँ, काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता। खैर जाने दीजिए। कोई डिग्री विग्री नहीं है आपके पास? डिग्री तो अच्छी खासी है लेकिन क्या फायदा? क्यों? डिग्री के साथ रिश्वत, पैसे की भी तो जरूरत होती है। हाँ। कोई बात नहीं। ऑन देना। कल भी आप ही आएंगे ना? जी हाँ। ओके बाय। अरे सुन 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 क्या कर रहा है? अरे मामला जम गया, कल लड़की ने मुझे बुलाया सिखाने के लिए। क्या बात कर रहा है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर उसके बाप ने क्या उस चश्मे वाले का नाम है? वो दौलतराम। दौलतराम अगर तुझे यंग गेटअप में देख लिया ना तो तुझे ही उठा लेगा चेक लगा के। हाँ अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।